नाक आंख कान खुला रहेगा दिखेगा आपको, क्योंकि यह सरना हमारा श्रमण संस्कृति का है। यह संस्कृत कहते हैं फ्रॉड लोग, अरे शर्म करो, अगर संताली नहीं होती तो संस्कृत जन्मती नहीं थी इस देश के अंदर में। क्या बात बता रहे हो हमको, क्या मुंडारी और संताली नहीं होती तो संस्कृत कहां होती, कहां पतंजलि होता, और पतंजलि नहीं होता तो रामदेव बाबा क्या करता ऊपर नीचे पेट करके। किसको हिस्ट्री और कल्चर बता रहे हो आप, नागपुर के नाक कटे काली टोपी के लोगों, नागपुर के नाक कटे हुए काली टोपी के लोगों, किसको कल्चर सिखा रहे हो आप। भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था ना कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। यह हिंदुस्तान नहीं है, यह आदिवासी स्थान है, यह नाग स्थान है, यह असुर स्थान है। भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था ना कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। यदि भारत कुछ था तो प्रबुद्ध राष्ट्र था और यह प्रबुद्ध राष्ट्र ही रहेगा। इसलिए ये डायलॉग आप ये मत समझो कि हमको समझता नहीं है, हम बोल नहीं सकते। अरे निकम्मो, इतना अपने आप को बड़ा कहते हो तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, अभी मेरी चैलेंज करने की जरूरत नहीं लग रही है मुझे। आप अपने जितने आरएसएस के प्रचारक हैं या जो बीजेपी में बोलने वाले संबित पात्रा वगैरह जैसे लोग हैं, एक काम करो निकम्मो, ये हमारे मुर्मू जी जैसे जो है, अर्जुन सिंह ठाकुर जैसे, सुषमा हेमब्रम जैसे लोग हैं, इनके साथ एक बार टेलीविजन पे बैठा के डिबेट करा लो, नहीं तुम्हारा नाक कट गया इंडिया के अंदर में तो मैं आपको चैलेंज करता हूं। इतना अपने आप को बहुत होशियार मत समझो कि आपको ही सब आता है। आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है दुनिया में, मैं ब्राह्मण को सबसे बड़ा बेवकूफ मानता हूं दुनिया का, क्यों, कुछ है ही नहीं, उसका ओरिजिन ही नहीं है, कोई कोई कल्चर नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। अरे अगर किसी ने कल्चर को जन्म दिया तो आदिवासियों ने दिया, पर्यावरणवाद को जन्म दिया आदिवासियों ने दिया, समाजवाद को जन्म दिया आदिवासियों ने दिया, स्त्री पुरुष समानता को जन्म दिया आदिवासियों ने दिया। तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है दुनिया को, घंटी बजाना, घंटी बजाने वाला घंटा होता है, बेवकूफ होता है, तुमको नहीं समझ रहा है, भाषा सुवर बोल रहा हूं, तुमको नहीं समझेगा, इसलिए बात छोड़ो। तो कहते हैं आदिवासी को हिंदू बना दो, कैसे हिंदू बनाओ, सेंसस में हिंदू लिखो, सेंसस में हिंदू लिखो, शेड्यूल्ड एरिया में मंदिर बना रहे हैं, झंडे लेके जा रहे हैं, आदिवासी बेचारा साइलेंट है, सोबर है, कल्चर्ड है, वो सोचता है चलो कोई आ रहा है उसको